सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप लोग नहीं जानते। ये मेरी छोटी सी बहन है, मेरी मौसी की लड़की। इसका नाम है कौन सा नाम? उसका नाम है सिद्धि। और आज आप लोग के लिए बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज का ये वीडियो है थोड़ा फैमिली के साथ मैं टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो इन सब के साथ आज मैं कहाँ जाने वाला हूँ और क्या करने वाला हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत मजा आने वाला है। तो गाइज फाइनली आके हम लोग पहुँच चुके हैं दोसा प्लाजा में। तो आज था मम्मी पापा का एनिवर्सरी, तो अगर पापा होते तो माँ को कहीं ना कहीं लेके होटल में ज़रूर खिलाते। तो इससे अच्छा मौका और नहीं था। आज दिन भी अच्छा था और घर में मौसी भी आई हुई थी, तो लेके इन लोगों को मैं आ गया दोसा प्लाजा। और यहाँ पर मैं आप लोग को भी दोसा प्लाजा का मेन्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको जानना है दोसा प्लाजा का मेन्यू किस तरह का है, किस प्रकार का प्राइस कॉस्टिंग है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो और देख सकते हो। तो अभी चलिए चूज़ करते हैं मुझे क्या मंगवाना है और क्या खाना है। तो देख लेते हैं पहले और फिर ऑर्डर देते हैं। मेनू कैसा लग रहा है? बहुत दिन बाद इतना जोर से बोले कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कैसा लग रहा है? जोर से बोल। बहुत अच्छा लग रहा है। श्रिया बहुत अच्छा लग रहा है। बिना खाए बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मुंह देखो कैसा है। सिद्धि, ओ सिद्धि, सिद्धि कैसा लग रहा है? उसका लग रहा है। इसको अभी घूमना था, पूरा रेस्टोरेंट में घूमना था, लेकिन हम लोग मना किए तो अभी बैठी हुए है। इधर देख, ओ पूरा रेस्टोरेंट खाली है। ये लोग पहली बार आ गए हैं। यहाँ का जो फेमस है बड़ा सा डोसा, ये खिलाना है। और अभी कुछ हम लोग नया नया चीज़ ट्राई करने वाले हैं यहाँ पर, और खा के आप लोग को रिव्यू देते हैं कैसा लग रहा है। सो गाइज आप लोग तो बहुत पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर, और आप लोगों ने पहला वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो हमारा बड़ा सा डोसा जो हम लोग ऑर्डर किए थे वो आ चुका है। और ये देखिए आप लोग कि राउरकेला में दोसा प्लाजा में ये वाला दोसा है, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और अभी सर्व हो रहा है हमारा सांभर और चटनी। एक नारियल चटनी मिलता है उसके साथ और एक सांभर मिलता है। रिएक्शन देखो दोसा देख के। हमारा सेजवन नूडल्स भी आ चुका है और सब अपना अपना दोसा इधर खाना शुरू कर दिए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मीनू अच्छा। दीदी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बता। बढ़िया बढ़िया कर दे। अच्छा कर दे। ऊपर खाने में बिजी है, देखो क्या कर क्या हालत की है डोसा का। आ गया हमारा नवरत्न डोसा जो मैंने मंगाया था। तो ये था बड़ा डोसा और ये था नूडल्स जैसे कि आप लोगों ने देखा। इसको खाते हैं और आप लोग को बताते हैं कि टेस्ट किसका कैसा है। सेजवन नूडल्स सही है, थोड़ा स्पाइसी है और थोड़ा मुझे नमक का कमी लग रहा है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। खा के सब कुछ खत्म हो चुका है, तो चलिए पूछते हैं। और मेरा रिव्यू तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इन लोग से भी पूछते हैं तो पता चलेगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। तो पहले शुरू करते हैं माँ से। तो माँ से पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा, मतलब बड़ा वाला डोसा जो पहले ही भी ट्राई किए, या फिर सेजवन नूडल्स, या फिर नवरत्न डोसा, कौन सा?
शेजवान नूडल्स, शेजवान नूडल्स उसको अच्छा लगा। अभी पूछते हैं श्रेया से। मुझे नवरत्न डोसा, नवरत्न डोसा मुझे भी, नवरत्न डोसा नूडल्स, नूडल्स कौन सा दोसा। सिटी को अच्छा लगा वो बड़ा सा डोसा, वो उसको देख के ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और उसको उसने उस चीज़ के लिए बहुत ही मतलब परेशान कर दिया। वो खुद ही खाइए, बाकी सबको माँ को और मेरी मौसी को नूडल्स अच्छा लगा और इन लोग दोनों को नवरत्न डोसा अच्छा लगा। और मुझे सच बताओ तो मैं अगर नूडल्स को, नूडल्स भी अच्छा लगा मेरे को, मैं आउट ऑफ 5/4 देना चाहूँगा रेटिंग। और नवरत्न डोसा जो था वो 5/5 देना चाहूँगा, वो बहुत ही अच्छा था। और आप लोग भी आइए ट्राई करिए। गाइस डोसा प्लाजा में तो हम लोगों ने खा लिया और खाने का रिव्यू भी मैं आप लोग को दे दिया, लेकिन आप लोग को बताना चाहता हूँ पहले का जो, पहले जो रोस्टेड डोसा जो बड़ा सा डोसा आता था उसका प्राइस थोड़ा कम आता था, अभी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। उस चीज़ का मुझे पता नहीं था, आज पता चला। तो ओवरऑल खाना बहुत ज़्यादा ही सही था। और ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये है आपका गेमिंग जोन जो डोसा प्लाजा के सामने में ही है। ये गेमिंग जोन आके आप लोग यहाँ पर भी गेम खेल सकते हो। ये था आज का ओवरऑल वीडियो। मैं आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा था, और बहुत दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था तो आज फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहता था। अगर आप लोग डोसा प्लाजा वाला वीडियो पहले नहीं देखे हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। और ये वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल।